नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सनसनीखेज खुलासे में देखते हैं शहर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू तलवार पिस्तौल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार। इरविन अस्पताल में जिंदा है अभी भी गंदगी का रावण, वीसीएन न्यूज की इरविन अस्पताल पर पैनी नजर। प्रहार संगठन करेगी 14 को आंदोलन। शिवटेकड़ी पे मनाया गया धूमधाम से शिवराज्य अभिषेक। वहीं दूसरी ओर पीडीएमसी मामले में सीबीआई से जांच की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और आपको बताते हैं कि जिला सामान्य अस्पताल में किस तरह जिंदा है गंदगी का रावण। क्या कभी खात्मा होगा इस गंदगी के रावण का, या प्रशासन लेगा जिम्मा इसका? बदसर जारी है गंदगी के रावण का यह तांडव, जरा गौर से देखिए इस गंदगी के मंजर को। अमरावती शहर का जिला सामान्य अस्पताल का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस अस्पताल में दूर दूर से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, यह सोचकर कि सेहत बेहतर हो जाएगी, उन्हें अच्छी सुविधा प्रशासन द्वारा मिलेगी। मगर आपको बता दे साहब, यहाँ तो मामला ही पूरा उल्टा पुल्टा है। यहाँ सेवाधारी कम सत्ताधारी ज्यादा नजर आते हैं। इस अस्पताल में अच्छी सेहत तो छोड़ो, गंदगी के चलते यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। यहाँ जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों के लिए कोई खासी सुविधा नजर ही नहीं आती। 6 जून को हमने आपको बताया था कि किस तरह मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्या क्या सुविधाओं की कमी है। एसी तो है पर शुरू ही नहीं, सिटी स्कैन मशीन भी है पर मरीजों को साधी रपट तक नहीं मिलती। वाकई में ये शर्मनाक मंजर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जिला सामान्य अस्पताल गंदगी की चपेट में नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन की सुस्ताई का भी कोई जवाब ही नहीं। वाह, क्या लाजवाब है इनके थाट। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में रोजाना करीब 700 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, पर अस्पताल की सुविधाओं को देखते हुए इन मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेबस होकर सब सहन करने वाले मरीजों की पीड़ा शायद उन्हें ही झेलनी पड़ेगी। प्रशासन के हाथ तो बंधे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बेबस मरीज अपनी गुहार लेकर जाए भी तो जाए कहां। अब बस यही कहना बाकी है, माना कि आपकी नजर में कुछ भी नहीं हो, पर हमारी पीड़ा को जरा सुनकर तो देखो यारो, फिर पता चलेगा प्रशासन को कि आप चीज क्या हो। इरविन अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड क्रमांक 9 के ठीक बाजू में कचरे तथा गंदगी का रावण अभी भी जिंदा है, जिसके चलते गंदगी से यहां दाखिल मरीजों पर संकट का खतरा मंडरा रहा है। इनके आरोग्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? कब आएंगे अस्पताल के अच्छे दिन? 6 जून को बताई गई खबर का असर ये भी हुआ कि इस मामले में प्रहार संगठन ने ज्ञापन के जरिए अल्टीमेटम दे दिया। अब देखना है कि कब जागता है ये प्रशासन। कैमरामैन दिलीप जवंजार के साथ हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे, वीसीएन न्यूज अमरावती के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला सामान्य अस्पताल एवं पीडीएमसी अस्पताल की असुविधाओं को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आगामी 14 जून को आंदोलन करने का इशारा दिया है। साथ ही अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला सामान्य अस्पताल तथा जिला स्त्री अस्पताल एवं पीडीएमसी अस्पताल में अधूरी सुविधाओं को लेकर प्रहार संगठन आगामी 14 जून को इरविन चौक से जिला कचेरी तक प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा लोटांगन आंदोलन करने का इशारा दिया गया। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रहार संगठन ने जिलाधिकारी के जरिए आरोग्य संचालनालय मुंबई को एक ज्ञापन सौंपा है। अपनी प्रमुख मांगों को वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, वार्ड बॉय, सफाई कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो, जिला सामान्य अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाए,
साथ ही साथ जिला स्त्री अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई जाए। सभी अस्पतालों में 2 से 24 घंटों तक रक्त पेढ़ी की सुविधा जारी की जाए, ऐसी अन्य मांगों का इनमें समावेश है। इसके पूर्व 7 जून को VCN चैनल ने जिला सामान्य अस्पताल की व्यथा को उजागर किया था। अब प्रहार संगठना आगामी 14 जून को आंदोलन करने की जानकारी प्रहार शहर प्रमुख चंदू खेड़कर इन्होंने दी। इस अवसर पर छोटू महाराज वसु, पिंटू सोलंके, दिनेश बसेरा, प्रदीप वड़तकर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वास्तविकता अशी आहे की आपल्या अमरावती शहरात, अमरावती जिल्ह्याकरिता 2 रुग्णालय आहेत, इरविन आणि डफरिन। सर्वसामान्य रुग्णालय जे आहे, जिल्हा सर्वसामान्य रुग्णालय, याची दयनीय अवस्था आहे। तिथलं प्रशासनातलं फेरबदल झाली पाहिजे आणि तिथं जो मॅनपावर आहे, मनुष्यबळ जो आहे, ते मनुष्यबळ जे कमी आहे ते कमीत कमी कंत्राटी पद्धतीने तरी भरा, परंतु मनुष्यबळ असलं पाहिजे तिथे। तिथं जे रुग्णांची येण्याची जी संख्या आहे ती दिवसेंदिवस वाढती आहे। अशा अवस्थेत तिथे कुठल्याच त्या रुग्णांच्या बाबतीत कुठल्याच सुखसुविधा ज्या असायला पाहिजेत, व्यवस्था असायला पाहिजे, ती कुठेच नाही। तसंच डफरीन जे आहे, डफरीनलाच दुरावस्था आहे, तिथे बेड नाही, महिलांना झोपण्यासाठी व्यवस्था नाही, अशा दयनीय अवस्थेत हे दोन्ही हॉस्पिटल आहेत। आणि याची वारंवार आम्ही मागणी करत आहे की इथे काहीतरी सुधारणा करा। वास्तविक शासन आणि प्रशासन यांना दुगड नाही, आम्ही शेवटच्या स्तरापर्यंत प्रयत्न करतो आहोत, परंतु आता अंताला विषय येऊन टेकला आहे की आता जर याच्या दिलेल्या अवधीत जर यांनी हे दुरावस्था दुरुस्त केली नाही, तिथं जर रुग्णांची हालअपेष्टा होत असेल, अवहेलना होत असेल, सर्वसामान्य माणूस जो पैसे नाही तिथे कोण येतो आहे, गरीब येतो आहे, त्या गरिबाची जर दुरावस्था आणि तिथं होणारी त्याची हालअपेष्टा, अवहेलना, ह्या सर्व गोष्टी थांबल्या नाहीत तर आम्ही आमचे जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख प्रदीपभाऊ वडतकर यांनी चंग बांधला आहे की जिथपर्यंत या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणि डफरीन जिल्हा स्त्री रुग्णालयात जिथपर्यंत व्यवस्था होणार नाही तिथपर्यंत आम्ही हिरवीन चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पूर्ण कपडे काढून फक्त अंगावर जे आवश्यक अर्धनग्न अवस्थेत लोटांगण घालत जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत यायचा चंग आमच्या जिल्हा संपर्क प्रमुखांनी बांधला। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों शहर में बेखौफ होकर जुल्म को अंजाम दिया जा रहा है। अब चाकू, तलवार और पिस्तौल रखना आम होता नजर आ रहा है। मंगलवार की रोज शहर कोतवाली पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई के दौरान चाकू, तलवार, पिस्तौल समेत 2,14,000 के जेवर और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर इन दिनों जुर्म का अखाड़ा बना हुआ है। अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार का शेयर मार्केट से सेंसेक्स नीचे गिरता नजर आता है, मगर क्राइम का बाजार इन दिनों गरम चरम पर है। चोरी, डकैती, लूटपाट, कत्ल, बलात्कार जैसे संगीन मामले निरंतर उजागर हो रहे हैं। इन दिनों इश्तेहार से ज्यादा क्राइम वॉच का ब्यौरा ज्यादा देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसी ही एक सनसनीखेज मामला मंगलवार की रात सामने आया। शहर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पिस्तौल और तलवार समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशांत नगर अमरावती निवास आरोपी सुनील श्याम पांडे उम्र 50, कवल सुनील पांडे उम्र 25 और जीवक पांडुरंग खड़से उम्र 45, यह तीनों आरोपी लूटपाट, चोरी के मामले में दोषी पाए गए। तीनों आरोपी बैंक में आते जाते नागरिकों पर अपनी नजर बनाए रखते थे। फिर जैसे ही कोई शख्स बैंक से पैसे लेकर डिक्की में रखते थे तो वो पैसे यह आरोपी डुप्लीकेट चाबी के जरिए उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते थे। ऐसे ही एक मामले में गाड़गे नगर निवासी बाबाराव विठल ससाने ने शहर कोतवाली पुलिस को 3 जून की रोज शिकायत दी कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 71 ग्राम सोने के जेवर गिरवी रखने के लिए गए थे, पर कुछ कागजातों की कमी के चलते उन्होंने 71 ग्राम सोना, जो कि करीब 2,14,000 का बताया जाता है, वो अपनी दुपहिया एक्टिवा में रखा था, जो कि चोरी हो गया। शहर कोतवाली पुलिस ने जब CCTV फुटेज की जांच की तो यह तीनों आरोपी सुनील पांडे, कवल पांडे और जीवन खड़से मामले के दोषी पाए गए। शहर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एक तलवार, एक चाकू, एक जांभिया और एक पिस्तौल समेत दुपहिया और स्कॉर्पियो गाड़ी तथा 2,14,000 का सोना रिकवर किया है। दोनों दुपहिया क्रमांक MH 27 AC 4854, MH 27 AH 9060,
एवं स्कॉर्पियो MH22R1414 फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। बताया जाता है कि आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में अंबर दिए का भी इस्तेमाल करते थे। यह अंबर दिया IS रैंक को ही दिया जाता है। इस मामले की पुष्टि से कई सनसनीखेज मामले सामने आने का अंदाजा पुलिस ने जताया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और तीनों को पुलिस का आगामी 9 जून तक PCR भी मिला है। यह बड़ी कार्रवाई थानेदार नीलिमा आरज के नेतृत्व में की गई। इस विषय पर आइए जानते हैं नीलिमा आरज की जुबानी। VCN न्यूज अमरावती। दिनांक 5 पोलीस स्टेशनला अशी तक्रार आली की या ठिकाणी एका व्यक्तीचे डिकीमधनं कायनेटिकच्या त्याच्या जे थ्री ज्याची टू व्हीलर होती त्याच्या डिकीमधनं 71 ग्रॅमचं सोनं चोरी गेलं आहे, म्हणजे कोणीतरी काढून घेतलं। आणि मग त्यांना आम्ही विचारलं की कुठे कुठे गेले होते, तर ते सगळ्यात पहिले SBI गाडगेनगर तिथे गेले होते। तिथे त्यांना ते गहाण ठेवायचे होते आणि कॅश घ्यायची होती त्याच्याबद्दल, परंतु त्यांचे डॉक्युमेंट्स पूर्ण नसल्यामुळे ते त्यांना करता आलं नाही। तर त्यांनी ते डिकीट ठेवलं आणि सिटीमध्ये बालाजी मंदिराजवळ काही त्यांना खरेदी करायचं होतं दुकानातून, म्हणून तिथे आले। तर यातले जे आम्ही जे गुन्हेगार जे पकडले आहे त्याच्यामध्ये तिथून त्यांच्या मागेच हे उभे होते, असं जे फुटेज वगैरे पाहिलं त्याच्यामध्ये हे तिथे उभे आहेत। आणि त्याच्यानंतर फिर्यादी इकडे तक्रारदार इकडे आल्यानंतर त्याच्यामागेच लगेच येणे आणि त्याला कव्हर करणे आणि त्याच्यानंतर बरोबर डुप्लिकेट चाबी जी आहे डिकीची त्यांनी काढून त्याच्यातनं सोनं घेऊन गेलं, हे सगळं फुटेजमध्ये क्लिअर पूर्ण आल्यामुळे लगेच त्याच्यावरती ताबडतोब आम्ही ॲक्शन घेतली। आणि 7 ते 8 तासात आपला गुन्हा उघडकीस आला, कारण दुपारी 1:30 सुमारास ही घटना घडलेली आहे, पैसे काढणे, आपले दागिने काढणे। आणि त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट आली 2:30 आणि लगेच आम्ही त्याच्यावर फुटेज वगैरे पाहून जे कारवाई केली त्याच्यामध्ये एकाला उचलल्यानंतर लगेच दुसऱ्याला त्याचं पण मिळालं, तिसरा लगेच मिळाला, दागिने पण घेतल्याचे कबूल केले त्याच दिवशी। आणि त्यांच्या घराचं जेव्हा आम्ही झडती घेतली तर घराच्या झडतीमध्ये एक पिस्टल मिळालं, एक तलवार, नंतर एक ते जांभिया आणि अंबर दिवा त्यांच्या गाडीमध्ये मिळाला। त्यांची जी गाडी आहे 4-व्हीलर त्याच्यामध्ये अंबर दिवा मिळाला। आणि अजून माहिती काढली असता आणि बाकीचे पण फुटेज बघितले असता बाकीचे पोलीस स्टेशनलासुद्धा अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत की जे बँकेतनं निघाले आणि रस्त्याने आल्यानंतर त्यांच्यावरती असे गुन्हे दाखल आहे, गाडगेनगरला आहे, राजापेठला आहे, इतरही बाकी पोलीस स्टेशनला असतील। तर याच्याबाबत बारकाईने अजून माहिती घेत आहेत सगळे बाकी पोलीस इन्स्पेक्टर पण त्यांच्या हद्दीमधले जे फुटेज आहे ते चेक करतायत। आणि या पोलीस स्टेशन कोतवालीचाच यापूर्वी पण 1-3 तारखेला असाच गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याच्यामध्ये SBI गाडगेनगरच्या शाखेतनं कॅश काढली त्याने 30,000 अशीच ॲक्टिवा गाडीमध्ये ठेवली आणि तो मार्केटमध्ये इथे मागच्या पंचवटी वगैरे आपल्या गांधी चौक आणि या भागामध्ये खरेदी करायला आला असताना त्या ठिकाणी पण असेच कॅश गेलेली आहे कायनेटिक याच्या ॲक्टिवामध्ये। तर मी आपल्या सर्व नागरिकांना अशी विनंती करते की आपण डिकीमध्ये ज्यावेळेस अशा किमती मूल्यवान वस्तू आपण ठेवू नये किंवा अशी कॅश जी आहे ती कृपा करून अशी ठेवू नये, कारण फार लवकर डुप्लिकेट चाबीने डिकी ओपन होते आणि अशा प्रकारच्या घटना घडतात। तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। किशान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान, कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्या साठी, अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अग बाई गृहलक्ष्मी। विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72
UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुन्हा प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता पाहत रहा गृहलक्ष्मी। विदर्भामधील खवैगिरींचा एकमेव कुकिंग शो। तो छोटे से ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हिंदी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस आयुक्तालय में 3 डीसीपी ज्वाइन हुए हैं, जिनमें डीसीपी सावंत मुंबई से एवं डिवरे नासिक से तबादले पर अमरावती आए हैं। तीनों डीसीपी ज्वाइन होने के कारण पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक इनके हाथ अब मजबूत होंगे। कानून व्यवस्था की कमान अब जिले के तीनों डीसीपी पर है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय के रिक्त डीसीपी के पद भरे जा चुके हैं। पुलिस आयुक्तालय में 3 डीसीपी ज्वाइन हो चुके हैं, जिसके चलते पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक इनके तीनों हाथ अब मजबूत हो गए हैं। अब शहर के कानून व्यवस्था की कमान इन तीनों डीसीपी पर निर्भर है, जिसकी निगरानी स्वयं पुलिस आयुक्त करेंगे। पुलिस आयुक्तालय में तबादले पर आए श्रीकांत घिवरे ने दिनांक 7 जून को अपना पदभार संभाल लिया है। उनको परिमंडल 2 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीसीपी घिवरे एवं सावंत इनका तबादला विवेक पानसरे और शशि कुमार मीना की जगह पर किया गया है। डीसीपी सावंत ने 15 दिन पूर्व ही अपना पदभार संभाल लिया है। डीसीपी सावंत मुंबई तथा घिवरे यह नासिक से तबादले पर अमरावती में आए हैं। डीसीपी घिवरे 2004 के बैच के डीआईएसपी है। अकोला, चंद्रपुर, नई मुंबई, बीड, नासिक के बाद अमरावती में आए हैं। अमरावती पुलिस आयुक्तालय में तीनों डीसीपी ज्वाइन हो जाने के कारण पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक इनके तीनों हाथ अब मजबूत हो गए हैं। प्रकाश श्रीवास, VCN न्यूज, अमरावती। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीडीएमसी कांड में बेगुना बच्चों की जान से हाथ धो बैठी इन माताओं ने जिलाधीश से आज सीबीआई जांच की गुहार लगाई। डॉक्टर जाने समेत सभी दोषियों को आरोपी के कटघरे में लाने की मांग को लेकर आमरण उपोषण का इशारा भी इस वक्त दिया गया। माझं बाळ PDMC हॉस्पिटलमध्ये गेलेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही जिल्हाधिकारी ऑफिसमध्ये आलेलो आहे आणि आमच्या बाळाच्या प्रकरणामध्ये कोणत्याच प्रकारची कारवाई होत नाही आहे असं आम्हाला वाटत आहे आणि आमच्या बाळाच्या प्रकरणामध्ये आम्हाला CBI चौकशी हवी आहे आणि जोपर्यंत CBI चौकशी होत नाही तोपर्यंत आमच्या बाळाला न्याय मिळत नाही। आम्हाला असं वाटते की आमच्या बाळाच्या प्रकरणामध्ये CBI चौकशी आवश्यक आहे, त्याच्यावर कारवाई न जर नाही झाली तर आम्ही घोषणाला बसणार आहे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से मनाया गया शिवराज्य अभिषेक। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको इस शिवराज्य अभिषेक समारोह में। स्थानीय शहर के प्रसिद्धतम माने जाने वाले मालटेकड़ी पर दिनांक 7 जून सुबह शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से शिव छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्य अभिषेक समारोह बड़ी धूमधाम से एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। अमरावती शहर के मालटेकड़ी परिसर में दिनांक 7 जुलाई 2017 को सुबह 8 बजे से ही शिव छत्रपति शिवाजी महाराज इनके राज्याभिषेक समारोह के लिए भारी तादाद में शिव सैनिक एवं शिव प्रेमी इकट्ठा हुए थे। इस समय पूरा मालटेकड़ी परिसर भगवामय होने के साथ साथ भव्य दिव्य रंगोलियों की अराजकता रोशनाई से जगमगा उठी थी। राज्याभिषेक समारोह के लिए भारी तादाद में शिव सैनिक, शिव प्रेमी तथा आम नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित शिवराज्य अभिषेक समारोह की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की लघु मूर्ति का अभिषेक कर किया गया। पश्चात विधिवत पूजा अर्चना श्री और सौ खल्लार इनके कर कमलों द्वारा की गई। इस समारोह में शिवसेना महानगर अध्यक्ष सुनील खराटे, नरेंद्र गेवले, शिवसेना शहर प्रमुख तथा शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ता, शिव सैनिक, शिव प्रेमी भारी तादाद में उपस्थित थे। प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती के लिए। सर्व हिंदू भक्तांना जय श्री गणेश। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या वतीने हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, त्याच निमित्त आज शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानमार्फत हिंदू धर्मानिमित्त तिथीप्रमाणे आज शिवराज्याभिषेक सोहळा आज शिवभक्त अमरावती शहरातले सर्व शिवभक्ताच्या वतीने साजरा केला गेला। हा सोहळा शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान अमरावती शहरामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून साजरा करत आहे। त्याचप्रमाणे शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या वतीने आजपर्यंत
हिंदू धर्माकरता जे काही कार्यक्रम राबवले जातात तर ते आज आपण सर्वांनी मिळून साजरे करीत आहोत। याचप्रमाणे भविष्यात पण अमरावतीकरातले जेवढे काही शिवसैनिक असतील त्या शिवसैनिकांनी भरपूर संख्येने शिवराज्याभिषेका सोहळे उपस्थितीत राहून हा शिवराज्याभिषेक सोहळा द्विगुणित साजरा करावा असा अमरावतीकरांना नम्र विनंती करतो। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मजदूरों को दिया गया है इस वक्त बोगस चेक। मेहनताना के लिए जिलाधीश से सभी मजदूरों ने ज्ञापन देकर मांग की है। बोगस दिए हुआ चेक वापस मांग कर मुखिया की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। यवतमाल स्थित हरिदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मजदूरों की मेहताना देने में कंपनी के मालिक SS खड़ा लोहिया ने आनाकानी दर्शाने के चलते मजदूरों के मुखिया ने जिलाधीश अभिजीत बांगर को एक ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। जिलाधीश अभिजीत बांगर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है, हरिदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी यवतमाल ने हाल ही में चंद्रपुर जिले के पनागुड़ा में एक रोड काम लेकर इस काम के लिए मौजाबेला पोस्ट सलोना तालुका चिखलदारा यहाँ के 23 परिवार के मजदूरों को रोड के काम के लिए बुलाया गया था। कंपनी ने हाल ही में रोड का काम पूर्ण कर मजदूरों को मजदूरी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक शाखा वड़गांव रोड का धनादेश क्रमांक 14089 यह दिनांक 15 मार्च 2017 को कुल 1,15,000 के रूप में दिया गया। यह धनादेश मजदूरों के मुखिया शिवराम काजदेकर ने स्वयं के खाते में लगाया। यूनियन बैंक शाखा चिखलदारा ने कुछ दिनों के बाद यह धनादेश खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वापस कर दिया। तब शिवराम काजदेकर ने हरिदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी द्वारा चेक वापस लेकर आओ एवं पैसे लेकर जाओ ऐसा कहा गया। धनादेश लेकर जब काजदेकर वहां गए तो उनसे धनादेश लेकर धमकाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई ऐसा भी इस ज्ञापन में कहा गया है। हरिदर्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मजदूरों के साथ की गई धोखाधड़ी के चलते मजदूरों को उनकी मेहनताना दिलवाने के लिए जिलाधीश को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिलीप जवंजार, VCN न्यूज अमरावती के लिए। बेला आणि सलोना गावचे हे सगळे आदिवासी मजूर आहेत। त्यांनी होळीच्या आधी यवतमाळ इथे WBM चं काम एका कॉन्ट्रॅक्टरकडे केलेलं आहे, हरिदर्शन कन्स्ट्रक्शन कंपनी म्हणून आहे। त्यांनी यांना ज्या 40 लोकांना मजुरीचे 1,15,000 रुपये आहेत ते चेकद्वारे दिले होते। त्यांनी 15 दिवसानंतर चेक टाकला, तो चेक बाउन्स झाला। नंतर कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी तो चेक घेऊन त्यांना परत बोलवले आणि त्यांना सांगितलं की बा चेक दिल्यानंतर तुम्हाला अमाऊंट पूर्ण आम्ही देऊ। पण त्यांनी चेक घेऊन घेतला, त्याची झेरॉक्स त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांना आतापर्यंत पैसे दिलेले नाही। आज 4 महिने झाले होळीच्या आधी त्यांनी काम केलेलं, आजपर्यंत त्यांना मोबदला मिळालेला नाही आहे। त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर, त्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि यांचे पैसे, यांच्या जो कामाचा मोबदला आहे तो यांना मिळाला पाहिजे। एक महत्वपूर्ण सूचना की ओर बढ़ते हैं। सचिन पंजाबराव इंगले, उम्र 24 वर्ष, रहणार नमुना गल्ली, रहने वाला नमूना गली नंबर 5 अमरावती। यह दिनांक 6 जून की रात अंबादेवी स्थित अपनी सच साइबर कैफे बंद कर निकले, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। उनके भाई ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस गुमशुदा व्यक्ति के विषय में किसी को अगर कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस स्टेशन कोतवाली से संपर्क करे, ऐसा आवाहन किया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन तो रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सनसनीखेज खुलासे में देखते हैं शहर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाकू तलवार पिस्तौल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। इरविन अस्पताल में जिंदा है अभी भी गंदगी का रावण। VCN न्यूज की इरविन अस्पताल पर पैनी नजर। प्रहार संगठन करेगी 14 को आंदोलन। शिव टेकड़ी पे मनाया गया धूमधाम से शिवराज्याभिषेक। वही दूसरी ओर PDMC मामले में CBI से जांच की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां। वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आपके सुझाव एवं समस्याएं आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं।
हमारा पता है सावजी कॉम्प्लेक्स सतीधाम मंदिर के पास रायली प्लॉट अमरावती, या फिर आप दिए गए नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव हमें अपेक्षित है। तो आइए रुकते हैं हिंदी समाचारों में, बस इतना ही। तो आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।